अगर आप बीमार हैं, आपके जान पहचान में कोई बीमार है, तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये वीडियो हेल्दी होने में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मेडिकल साइंस एक ऐसा डिसिप्लिन जिसे जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी नई नई बातें पता चलती ही जाती हैं। कल तक जो इम्पॉसिबल था, जादू था, अंधविश्वास था, वो आज साइंस है। और आज मैं आपको मेडिकल साइंस की दुनिया से एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ जो आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगा। हाय, आई एम आशुतोष दुबे, एके सक्सेस जी। एक बार एक मेडिकल रिसर्च में कुछ लोगों को दो अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। दोनों ही ग्रुप्स के मेंबर्स को सेम दवाइयाँ खिलाई गईं, बट पहले वाले ग्रुप को ये बताया कि ये ताकत बढ़ाने की दवा है, और दवा लेने के बाद लोगों का पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, उनकी स्पीड, उनकी पावर, उनका रिएक्शन सब कुछ इंक्रीज हो गया। वहीं दूसरे ग्रुप को ये बताया गया कि ये नींद की दवा है, और सच में जिस दवा से पहले वाले ग्रुप के लोगों में इतनी एनर्जी इंक्रीज हुई थी, उसी दवा से दूसरे ग्रुप वालों पर सुस्ती और नींद छाने लगी। मेडिकल वर्ल्ड में इसे प्लासीबो इफेक्ट कहा जाता है। प्लासीबो यानी जो रियल तो लगती है पर होती नहीं, जहां पेशेंट्स को लगता है कि उन्हें सही दवा दी जा रही है, और केवल उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से उनकी बॉडी रिएक्ट करती है और उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाती है, जबकि असल में वो कोई दवा नहीं होती। प्लासीबो इफेक्ट एक साइंटिफिक प्रूफ है इस बात का कि हमारी बॉडी में खुद को हेल्दी करने की और बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। माइग्रेन, डिप्रेशन और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के केस में भी प्लासीबो इफेक्ट काम करता हुआ पाया गया है। हमारे देश में झाड़ फूक, तंत्र मंत्र प्लासीबो के देसी एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने झाड़ फूक पर विश्वास रखने वालों को अक्सर लोगों से बहस करते सुना है कि झाड़ फूक करवाते ही तबीयत ठीक हो गई। किसी ने कुछ करवाया था, हम पहले से ही कह रहे थे कि डॉक्टर की दवा असर नहीं करेगी, जब तक हम झाड़ फूक ना करवा लें तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। पर यह उसका एक पहलू है, इसका एक खतरनाक साइड भी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जहां 2014 के माइग्रेन पेशेंट्स पर किए गए एक्सपेरिमेंट में पेशेंट्स को माइग्रेन की एक्चुअल दवा के साथ उसी दवा के लेबल में प्लासीबो दी गई, यानी फेक मेडिसिन दी गई। तो अब पेशेंट्स को एक्चुअल दवा से आराम मिलना तो स्वाभाविक था, और मिला भी। पर जब मरीजों ने दवा के लेबल वाली प्लासीबो यानी नकली दवा ली, तब भी उनको उतना ही आराम मिला जितना कि एक्चुअल दवा से मिला था। पर मजेदार बात यह है कि प्लासीबो बताकर भी फेक दवा दी गई, यानी जिन्हें पता था कि वो जो दवा ले रहे हैं वो नकली है, उनमें से भी 50% मरीजों को आराम मिला। अब ऐसा क्यों होता है? द एक्शन इटसेल्फ स्टिम्युलेट द ब्रेन इनटू थिंकिंग दैट बॉडी इज बीइंग हील्ड, यानी आपके दवा लेने का एक्शन ही आपके ब्रेन को ठीक होने के लिए स्टिम्युलेट कर देता है। हमारा ब्रेन दवा खाकर ठीक होने के लिए बचपन से ही प्रोग्राम्ड है कि गुरु दवा खा लिए हैं अब ठीक भी हो जाएंगे। नाउ रीजंस, नंबर वन, हार्मोन रिस्पांस। प्लासीबो लेने के बाद ब्रेन एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज करता है। एंडोर्फिन्स का स्ट्रक्चर मोरफिन और दूसरे पेन किलर्स जैसा ही होता है, और ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है और आराम मिल जाता है। रीजन नंबर टू, क्लासिकल कंडीशनिंग। जब हम किसी एक इवेंट को दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जैसे बिजली चमकने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब बादल गरजने की भी आवाज़ आएगी, क्योंकि हमने बचपन से ऐसा होते देखा है। ऐसे ही लास्ट टाइम तकलीफ होने पर हमने दवा ली थी और हमें आराम मिल गया था, और अब हमने दवा खाई है तो इस बार भी हमें आराम मिल जाएगा। हमारा ब्रेन इस चीज़ के लिए तैयार रहता है। नंबर थ्री, एक्सपेक्टेशंस, यानी किसी चीज़ की पहले से ही उम्मीद करना। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस, जैसे इंजेक्शन या दवा लेने के बाद हालत में सुधार होगी। सोशल या वर्बल एक्सपेक्टेशंस, डॉक्टर या नर्स जब आपको समझाते हैं कि चिंता मत करो, मामूली सा बुखार है, एक दो दिन में ठीक भी हो जाएगा, या फिर हालत में सुधार हो रही है, परेशान मत हो, और एक्चुअली इन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी में ऐसी बहुत सी चमत्कारी खूबियां हैं जो हमें हेल्दी कर सकती हैं, पर समस्या ये है कि हम खुद पर नेगेटिविटी को हावी हो जाने देते हैं, जिससे हालत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। क्योंकि प्लासीबो का एक दुष्ट भाई भी है जिसका नाम है नोसीबो। जैसे प्लासीबो पॉजिटिव थिंकिंग की हेल्प से हमें हेल्दी कर देता है, वैसे ही नोसीबो हमें अच्छे खासे हेल्दी इंसान से बीमार व्यक्ति में बदल देता है। अक्सर देखा गया है कि बिना जहर वाले सांप के काटने पर भी लोग डर से ही बेहोश हो जाते हैं,
या हार्ट अटैक भी आ जाता है। और अगर साहब वेनमस हुआ भी तो भी स्नेक वेनम के असर दिखाने से पहले ही डर उन पर इतना हावी हो जाता है कि वो दम तोड़ देते हैं। नोसीबो इफेक्ट एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। इसमें लोगों को दवा के साइड इफेक्ट होने का भी डर होता है, जिससे रियल मेडिसिन के प्रति उनकी बॉडी नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करती है और साइड इफेक्ट दिखाई भी देने लग जाते हैं। इससे बचने के लिए नेगेटिव मीडिया, नेगेटिव न्यूज़ मत देखिए। अभी कल परसों ही किसी महिला की फोटो इंस्टाग्राम में बड़ी वायरल हो रही थी, वी लॉस्ट अ यंग वॉरियर, हर कोई शेयर कर रहा था, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं मानता हूँ कि ऐसी कोई न्यूज़ या पोस्ट शेयर मत करिए जिसे देखकर कोई डिप्रेस हो, कोई हिम्मत हार जाए। मीडिया में शमशान घाट त्राही त्राही दिखा रहे हैं, ये सब मत देखिए। ज़रा सोचिए, जो इंसान सच में बीमार है वो अपने फ़ोन में ये सब देखता होगा तो कितनी विल पावर बचती होगी उसके अंदर। केवल पॉजिटिव चीज़ें देखिए और भरोसा रखिए खुद पर कि आप हेल्दी हैं और जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। कॉमेडी फिल्म्स देखिए, कपिल शर्मा का शो देखिए। मुझे जब कोविड हुआ था तो मैं भी केवल यही करता था। रिमेंबर, घबराना इज एज डेडली एज कोविड इटसेल्फ। आपकी ये बॉडी और इसकी इम्यूनिटी अपने आप में हर बीमारी से लड़ने में सक्षम है, पर केवल तब तक जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। सब्सक्राइब करें सक्सेस जी ऐसे ही एडुटेनिंग वीडियोस देखने के लिए। कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।